हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृति और मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पगली लड़की रिव्यू में स्वागत करती हूँ। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक शो का जिसका नाम है मॉडर्न लव। इस शो के नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये शो आज के जमाने के प्यार के बारे में, जो जो एज, हाइट, वेट, कलर, जेंडर ये सब कुछ नहीं देखता है। तो ये शो भी उसी बारे में है। शो का जेनर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। ये शो 2019 में आया था और अभी इस शो का एक ही सीजन आया है जो कि Amazon पर इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस शो में 8 एपिसोड हैं। हर एपिसोड में अलग अलग स्टोरीज हैं जिनमें अलग अलग मेन कैरेक्टर्स हैं। कुछ कैरेक्टर्स के नाम हैं मैगी, लेक्सी, जोशुआ, गुजमीन, एंडी, टोबी, कार्ला एक्सेट्रा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, शो के हर एपिसोड में अलग अलग स्टोरीज हैं। आधे आधे घंटे का एक एक एपिसोड है। हर एपिसोड में कुछ नई अलग स्टोरी है। जैसे फर्स्ट एपिसोड में लड़की अपने बिल्डिंग के डोरमैन से अपनी बॉयफ्रेंड्स को अप्रूव करवाती है, पर उसका डोरमैन हमेशा मना कर देता है। फिर वो लड़की प्रेग्नेंट भी हो जाती है, तब भी उसका बॉयफ्रेंड उसका साथ नहीं देता है और उसका डोरमैन उसका साथ देता है। जितनी उसको हेल्प चाहिए रहती है सब वो हेल्प करता है। फिर उसके बाद वो कहीं और शिफ्ट हो जाती है। जब वहां से वापिस आती है तब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है और तब फाइनली उसका डोरमैन उसे अप्रूव कर देता है। उन दोनों की केमिस्ट्री लव वाली नहीं रहती है, बट कुछ अलग ही रहती है। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में एक जर्नलिस्ट के कारण एक बंदे को अपना प्यार मिल जाता है। उसके बाद वाले एपिसोड की स्टोरी एक बाइपोलर लड़की की रहती है, जो बाइपोलर होने के कारण ना अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर पाती है ना जॉब अच्छे से कर पाती है। फिर उसके बाद वाली स्टोरी रहती है एक लड़की के रीबाउंड के बारे में। फिर उसके बाद वाली स्टोरी रहती है एक मैरिज कपल के बारे में, जो एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद वाली स्टोरी रहती है एक गे कपल के बारे में, जो एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। ऐसे ही सारी अलग अलग स्टोरीज रहती हैं। ओवरऑल मुझे ये शो अच्छा लगा है। स्टोरीज मुझे हर एक एपिसोड की अच्छी लगी। कास्टिंग हर एपिसोड की अच्छी हुई है। सबने अपना अपना रोल बखूबी निभाया है। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि हर स्टोरी में सिर्फ और सिर्फ एक लड़का लड़की के बीच की बॉन्डिंग नहीं दिखाई है, सिर्फ प्यार 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 नहीं दिखाया है, दो लोगों की केमिस्ट्री दिखाई है। चाहे वो किसी भी टाइप का रिलेशन हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशन हो, ओल्ड लव हो या फिर कम्प्लीटली दो स्ट्रेंजर्स हो, सबकी बॉन्डिंग बहुत अलग थी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार प्यार नहीं दिखाया है। मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर इन सारे एपिसोड्स में फर्स्ट एपिसोड का गुजमिन रहा, जो कि उस लड़की का डोरमैन रहता है। उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया वो स्टोरी देखते हुए। ओवरऑल मैं शो को 8/10 रेटिंग्स दूंगी और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार जरूर देखें ये शो, और देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा आप मेरे ओपिनियन से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं मेरे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा दोस्तों। अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा, जितना हो सकेगा घर पर ही रहिएगा। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय।